बोलने के लिए इकट्ठे रहेंगे ठीक है मामा इनको बोलो के बुलाओ क्या दो स्पोर्ट में से नीचे आ जाओ लड़कों रे पिक नीचे आओ नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम उपमंडल रोडू के तहत तहसील चिड़गांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत दीदी द्यूरी माइला के द्यूरी गांव में करीबन देर रात द्यूरी माइला के द्यूरी गांव में 10 बजे के करीब आग जलने की भीषण अग्निकांड की घटना जिसमें दो मकान बुरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों के पशुओं इस भीषण अग्निकांड में दो घरों के करीबन 8 से 10 परिवार बेघर हुए हैं। इस भीषण अग्निकांड की यह घटना करीब देर रात 10 से 12 बजे का समय करीब 10 बजे के करीब जानकारी के मुताबिक 10 बजे के करीब बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। अभी आपको हम कुछ ही देर में आग से प्रभावित परिवारों के लिए जाना चाहेंगे। हम इन लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे। अभी हमारे बीच यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है जिसमें आग से प्रभावित लोग भी हैं और इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि भी हमारे बीच मौजूद है। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। रोशनलाल उप प्रधान जी पी ड्यूटी महिला। इस आगजनी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस तरफ आगजनी के बारे में बस तो वही लगभग रात के 10 बजे के करीब लगी है। सारे लोग यहाँ एक फंक्शन था वहाँ गए थे या जिस घर से ये आग लगी थी वो मात्र केवल एक बुजुर्ग आदमी थे वहाँ से ना जाने शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैली है। इसमें जो है लगभग 3-4 आदमी प्रभावित हुए हैं। लगभग 12-15 कमरे और 8-9 भेड़ बकरियाँ वो गाय वगैरह इसमें जल चुकी है। हाँ जी कैसे प्रभावित हमारे एक तो ये है जी एक और है साथी इधर आओ एक ही है। आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे के करीब यह आगजनी की घटना हुई है? ये 10 बजे हुई सर। हम थे कुछ ऊपर गए फंक्शन में शादी थी घर में थे
बहू और तीन पोते थे और मेरी बेटी थी, और उन्होंने खाना खाया, फिर खाना खा के सो गए थे और लगा हुआ ना। फिर मेरी बहू को बोला बोले दीदी डर लग रहा, बाहर कुछ सुनाई दे रहा, बोले बाहर से जब बाहर आई दोनों इधर थे, आग लगी उसने वो नो छोटा पोता उठाया, वो दौड़ गए राड़ी मार के पर। फिर वो मेरी छोटी वाली बेटी गई पर उनके भाई के पास, ये हमारा मेंबर साहब है, इनके पास बोले मामा जी बम, बोले घर जल गया, आग लगे। फिर दो पोते थे अंदर, वो निकले मेरी छोटी बेटी, बाकी उन्होंने कुछ नहीं निकाला, कुछ नहीं बचा पाया, कुछ नहीं बचा पाया। बिस्तर भी अंदर और चांदी की गाची हो हार और जूटी गोखरू पोचियाड़ी तो बाबू और इतनी सो एक सौ फूली एक बूढ़ी फूली एक प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि देर रात करीबन 10 से 11 के बीच आगजनी की घटना हुई है, तो ऐसा क्या कारण है? हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी तक प्रशासन की तरफ से यहाँ तक रेवेन्यू की तरफ से कोई भी आदमी नहीं पहुँचा है इस समय? रेवेन्यू की तरफ से पहुँची है, प्रशासन की तरफ से रात को आई थी टीम सर। प्रशासन जहाँ तक हमें जानकारी के मुताबिक रात को सिर्फ पुलिस की टीम आई थी, पुलिस की टीम आई थी। रेवेन्यू की तरफ से रात को कौन पहुंचा था मौके पर? रेवेन्यू की तरफ से तो सुबह आए, सुबह आए, जल्दी आ गए, शाम को कोई नहीं आए, शाम को रेवेन्यू की तरफ से आए थे, पुलिस वाले आए थे, बाकी कोई नहीं आया था शाम को। और ऊपर से मैं 11-12 बजे फोन कर रहा था, कम से कम 15 कॉल की है शिमला, फोन ही नहीं उठा रहे फायर ब्रिगेड वाले। हाँ जी, लेट हुई है और इस वजह से काफी हो गए, बच गए, थोड़े बंदे भी आए ना, थोड़ी उनकी वजह से थोड़ी हो गई रिलैक्स। और पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत बहुत है यहाँ, पर बावड़ी वहाँ चलाया फोन नहीं, पानी की है सर, पानी की यहाँ पे ज्यादा दिक्कत है। वैसे फायर ब्रिगेड तो 12 बजे के करीब पहुँच गए थे यहाँ पे ना, दो ढाई घंटे तो रोड से यहाँ पहुँचने में, लोड गाड़ी भी थी ना सर, चढ़गांव से पहुँचने में टाइम तो लगता है। पर इसमें दिक्कत है सर, हमारे को सब स्टेशन जो है चढ़गांव होना चाहिए इसका ना, अगर थोड़ी देर लेट हो जाती पूरी बस्ती यहाँ पे खत्म हो जाती। हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आए दिनों इस क्या नाम एरिया में आपके, अगर बात करें तो टांगनू में आगजनी हुई, भीषण अग्निकांड हुआ था, और आपके इधर पेखा में हुआ था, तो आए दिन लगातार हो रहे जी हमारे एरिया में तीसरी साल हमेशा। आपने आप यहाँ के लोगों ने मांग उठाते रहे कि अग्निशमन केंद्र चिड़गांव में स्थापित किया जाए, तो बार बार क्या नाम नेता लोग भी आते रहे हैं, अभी इतना आप नुमाइंदे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी, अभी दो बार मीटिंग हुई थी सबकी, कोशिश पूरे प्रधान गण जो है सबकी, नहीं वैसे गवर्नमेंट की ओर से पूरा गवर्नमेंट ने आज से, जैसे गवर्नमेंट बीजेपी आई वैसे ही उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम जो है चढ़गांव में सब स्टेशन देंगे, उसके बाद ना जाने आज 4 साल होते हो रहे हैं, गवर्नमेंट की भी लास्ट ईयर रहा है, ना जाने अग्निशमक कागजों में या जवानों तौर पर बोला पर कागजों में कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी हाल ही में हमारे नरेंद्र बरागटा जो MLA है हमारे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी विधानसभा में कि हमारे अग्निशमक चढ़गांव में खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, लेकिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जी है उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ कोई हमारा कोई विचार नहीं है कि चढ़गांव में हम जो है अग्निशमक खुले। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे देखते हैं, जैसे हमारे इंटर एरिया में आते हैं, इस एरिया में जो है ज़्यादा तरह आपके कच्चे मकान मिलेंगे, लकड़ वाले मकान मिलेंगे, जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे ही लोगों का पक्के मकान मिलेंगे, ज़्यादा तरह आगजनी की जो घटनाएं होती है वो इस इंटर एरिया में होती है, इस यहाँ इसलिए होती है कि क्योंकि पुराने कच्चे मकान हैं हमारे, नई डेवलपमेंट है नहीं है, पुराने कच्चे मकान हैं, उसमें जो है इसका खतरा ज़्यादा तरह बना रहता है। तो हमारा सरकार से अंत में यही निवेदन है कि आने वाले समय में चढ़गांव में जो है 5 ब्रिगेड का सब स्टेशन खोल दिया जाए, ताकि इस एरिया के लिए भविष्य में इस तरह खिलवाड़ ना हो जैसे अभी हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा, तीन पंचायतें हमारी, एक पेखा है, एक दिउदी, एक तानू है, इन तीनों गांवों में लगभग जो है पिछले 3 साल से कंटिन्यू आग लग रही है, जिसमें सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं। वाइस प्रधान जी, हाँ जी, हमारे जहन में एक प्रश्न आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ साल पहले, हाँ जी, टांगनू के बोनवाड़ी में आगजनी की भीषण घटना हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने, हाँ जी, घोषणा की है, हाँ, चिड़गांव में फायर स्टेशन, हाँ जी, हाँ जी, खोलने को लेकर, हाँ जी, हाँ जी।
लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी आज दिन तक फायर स्टेशन चिड़गांव में नहीं खुला है, क्या कारण रहे? वो ऐसे है जी, उनकी लास्ट ईयर चली हुई थी, लास्ट ईयर का मतलब है लगभग 2-3 महीने पहले ही उन्होंने ये घोषणा की थी, उसके बाद ही तुरंत ही विधानसभा के इलेक्शन हो गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, चेंज होने के बाद फिर उन्होंने जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने भी आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बोला था कि हम जो है चिड़गांव में फायर सब स्टेशन खोलेंगे, और लोकल जो लीडरशिप है यहाँ की रोडों की है चाहे और भी है उन्होंने भी कहा था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो हम यहाँ जो है फायर ब्रिगेड का सब स्टेशन खोलेंगे, मात्र वो सिर्फ उनके मुँह तक ही रहा है, नीचे उसमें क्या बोलते हैं कागजों पर ये काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पिछले अगर ये चिड़गांव में होता, अगर टाइम ले हमारी गाड़ी यहाँ पहुँचती शायद पहले मकान इसमें लगा, शायद दूसरा मकान हमारा बच जाता है। चलो सर, आज भी अब भी रिक्वेस्ट है, बहुत गंभीर तरह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ये जो है सब स्टेशन कम से कम फिलहाल हमारे लिए चिड़गांव में ये जरूरी होना चाहिए, बाकी प्रधान जी विकास खंड छुहारा में आपकी प्रधान परिषद बनी हुई है, क्या कभी आपकी प्रधान परिषद में मुद्दा नहीं उठता है फायर स्टेशन को चिड़गांव में खोलने को लेकर? मुद्दा तो उनके सामने तो कभी नहीं उठा जी, 2 मीटिंगें प्रधानगणों की हुई थी तो उन्होंने बोला था वही नीचे जाएंगे शिमला, हमारे को जो है ये फायर स्टेशन चिड़गांव में लाना जरूरी है, अनिवार्य, बहुत अनिवार्य है। तो उसके बाद अब आगे तो आगे के लिए रिक्वेस्ट है हमारी। प्रधान जी, आने वाले समय में विकास खंड छुहारा में जो गांव हैं बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, क्या आप लोगों के जहन में ऐसा है कि हम कहीं पर फायर स्टेशन को लेकर प्रश्न उठाएंगे सरकार के समक्ष? हाँ जी, हाँ जी, आज तक तो इसलिए नहीं उठाया ना जी क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जो है यहाँ खोल रहे हैं, अब जब विधानसभा में क्वेश्चन उठा है कि तब लोगों को पता लगा कि आवाज जो है उन तक जो है सरकार तक पहुंच जानी चाहिए। प्रधान जी, आपको क्या नहीं लग रहा है जैसे हमारे अपर एरियाज है जो जितने भी हमारे जो मकान है पुरानी शैली के बने लकड़ी के मकान है, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अगर आपके द्वारा कोई ऐसी पहल नहीं होनी चाहिए, पंचायत बॉडी के द्वारा कोई ऐसी पहल नहीं होनी चाहिए कि जितने भी लकड़ी के मकान इनके समय रहते इंश्योरेंस की जाए ताकि इस तरह इसकी अचानक आग जलने की घटना हो जाए, लोग तो जलकर पूरा मकान सवा हो गया, राख में तब्दील हो गया, तो इस तरह की अगर क्या पहल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सही नहीं है क्या? सरकार की ओर से भी इस तरह होता क्या है, आए दिन प्राइवेट कंपनियां इसको इंश्योर करती है जी, अब उनको ये पता नहीं लगता है, इंश्योरेंस ले लेते हैं बाद में मिलता है नहीं मिलता, बाद में वापसी जब हम वो लेते क्लेम लेते बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, ईयरली आपका कम से कम अगर एक मकान की इंश्योरेंस करेंगे मान के चलो 50 लाख की इंश्योरेंस कर दी, 20 लाख की है, आप देख रहे हैं सारे गरीब आदमी है, ईयरली कम से कम 10,000 रुपये ईयरली जाता है आपका, अब कंटिन्यू 10 साल ईयरली देते रह गए, आप देखो आप कितना जाता है, आप हालत देख रहे हैं इस एरिया के कितने गरीब आदमी रहते हैं यहाँ, अगर ईयरली 10,000 रुपये इंश्योरेंस करने लगे तो बताओ आप। सर, अब जो अच्छा, ये हादसा हो गया ना इसका जो है तुरंत इन लोगों को, ऊपर से बर्फबारी का वक्त है, ठीक है जी, अब क्या करेगी, इनको एक एक चीज की जरूरत है, छोटी छोटी से बड़ी चीज तक की जरूरत है इन लोगों को, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, है ना जी, जो भी डिपार्टमेंट है जिससे जो भी बन पड़ेगा वो जल्द से जल्द जो है इनके पूरे अपनी तरफ से पूरा काम करे जी। देखिए, आप ग्राम पंचायत देवदी मायला के प्रधान है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे सर्दियों का दौर शुरू हो जाता है यहाँ पर आगजनी की घटनाएं भी घट जाती है छुहारा क्षेत्र में, बीते 2 या 4 साल की बात करें तो यहाँ बहुत बड़ी घटनाएं घट चुकी है, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेवार है, वो किस लिए जिम्मेवार है, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी ऊपर से भी देख रहा था लोग घास मकान के नीचे रखते हैं, तो इसके लिए आपको नहीं लगता है कि इसके लिए कोई अवेयरनेस लोगों को भी होना चाहिए? बताते भी है सर, बोलते तो है, अब लोगों के ऐसा ना दिक्कत ही है सर, एक से दूसरा मकान नहीं बना सकते सर घास रखने के लिए, अब पेड़ों में भी कहाँ रखेंगे? हाँ जी, ऊपर से पड़ती सर, बर्फ तीन फुट बर्फ पड़ती है, 4 फुट से कम नहीं है कि 5 फुट। हाँ जी, हाँ जी, देखो नहीं, हमारा मुख्य जो व्यवसाय है वो जो है भेड़ बकरियों से चलता है हमारा यहाँ का, मैक्सिमम आप देख रहे हैं यहाँ खेती बाड़ी को बहुत कम लोग करते हैं, हमारा मुख्य व्यवसाय जो है खेती बाड़ी का है, हमारा पशु भेड़ बकरियाँ घर पर रहते हैं, उनके लिए चारा तो रखना ही पड़ता है,
और बाहर रख नहीं सकते क्योंकि बारी बर्फ बारी होती है, उससे उसकी वजह से सेब जो है सड़ जाता है, ये क्या बोलते हैं घास खत्म हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं जी, वो आजकल सर्दियों का टाइम है उसको लाते हैं कहीं खाली एरिया में रख लेते हैं उसको। हाँ मानते हैं हम इस बात को कि इसमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है हमारे को, क्योंकि खासकर ये घास के बारे में। लेकिन मैक्सिमम जो आपका अग्निकांड हुआ है वो घास की वजह से नहीं हुआ है, मैक्सिमम जो कांड हुआ है ये जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। आप टांगों में देखते हैं साथ ही लगती हमारी पंचायत पेखामे हैं और साथ ही जोड़ी में सारी जितने भी आगजनी का वो है वो सारी जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से माना जा रहा है इसको जी। आपके पास कहीं दूसरी जगह घर है जी रहने के लिए? प्रशासन से क्या मांग करेंगे, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? देखो प्रशासन से जो है हमारी ये अनुरोध है जनाब, इनके मकान जो है ये बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव जल्दी से जल्दी जो है इनके लिए फौरी राहत के तौर पर जो है कम से कम टेंट जो भी गवर्नमेंट से बन पाए वो मुहैया कराए, ताकि ये जो है अपना जीवन जो है थोड़ा सर्दियों के टाइम आराम से यापन कर सके। इसके लिए जो है हिमाचल गवर्नमेंट को जो है कम से कम इनकी जो है एक ही आज माँ बाप नहीं है दो जल्दी से जल्दी जो है इनकी फौरी राहत दी जाए। आप बचा पाए जी कुछ? बकरी है, गाय है, इसमें सामने देखो आप बताए जरा ये यहाँ पे। अच्छा यहाँ भेड़े और अच्छा वो गाय बंद वो भी इसमें चल गई। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग कुछ भी नहीं बचा पाए परिवार के, इनके पास एक चम्मच तक नहीं बची सर। अच्छा एक गिलास कुछ नहीं ना, पेन कुछ नकदी पैसे सब कुछ जल गया। होटल लॉस है, कपड़ा पहने वही है, इसमें जो है सारा जो ये कर कुछ नहीं सर, कपड़ा पहने वही बचा है, कुछ नहीं है। एक गिलास तक चम्मच सर में। अच्छा अच्छा जी, घर में कहीं है तो नहीं था कोई शादी ब्याह? अच्छा शादी किसकी थी? कब होनी थी सर? मेरे भाई की शादी। तब तब हम आ गए, जब घर में होते तब तो पचास पचास सकते दो बेटी मेरा घर है, मेरी मम्मी तीन पोते लाए बाहर उधर रेडी पैसे भी लाए बैंक से 35000 कुछ नहीं बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए, कपड़े कपड़े नहीं बचा पाए सर, कपड़े नहीं बचा पाए सर, हमारा जो हमारा पहने हुए सर सोना चांदी कुछ नहीं बचा सर, जो पुश्तानों सोना था वो सारा सारे खत्म हो गया। अच्छा एक जवान आपका जला है, नाम क्या है आपका? मेरा श्री हेमंत है जी। नहीं जो ये आग लगी है इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ये कुछ नहीं, ये फादर ने अंदर वो आग जलाई थी। अच्छा बस बाकी सर सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा सर शॉर्ट सर्किट का कारण ये है कि यहां जो खाना का आगे जो लाइन घर के ऊपर जो सारी लाइनें आ, मैंने तो सर मिस्त्री थी लगा कैसी आई लाइन, सब पहली बात है घर सारे घर के ऊपर सारी लाइनें है। यहां देखो आप देख सकते हैं यहां पर यहां से लाइन बिजली की लाइन देखो यहां बीच बीच में और ऊपर से बहुत ही खतरा सर, बहुत ही खतरा सर आगे पड़ी और यहाँ आगे बढ़ा सर, ये लाइन जो है सर यहाँ से बेकार है सर, यहाँ रिपेयर कर रही थी ना, और छोटे पोता घर में छोटे पोता तीन साल के लिए। अच्छा ये बताइए कि प्रशासन से अब आपकी क्या मांग रहेगी? जल्दी से जल्द घर बनना चाहिए सर, पोता मेरे की कमी पटवारी जी चिल्लाना इतने बड़े से जल ऊपर से ऊपर तीन पोते तीनों के कपड़े भी जल गए नंगे पैर ऊपर से आगे ऊपर से आगे सर्दी का टाइम बराबर गिरेगी जी, ठीक है जी, तीन तीन चार चार फुट बराबर कहाँ रहे बेचारे, ये तो बेघर होगा इनका, सिर्फ है जो पहने हुए यही है, यही है यही है, कुछ नहीं सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं इनके पास। प्रधान जी किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? जानी नुकसान तो सर पशुओं का हुआ है, एक पशु सात आठ भेड़ बकरी जड़ी थी और तीन गाय जड़ी है। हाँ जी, और हमने आदमी का आदमी के झुलसने का भी सुना है प्रधान जी, झुलसा है हॉस्पिटल पहुँचा पटवारी जी।
हाँ जी हॉस्पिटल ले गए हो गए उनको कहाँ है अभी तो ले सर हॉस्पिटल ले ली आपको बता दें कि प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हम उनसे भी नुकसान के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। रात देर रात आग कितने बजे लगी है और इसमें कितने घर जलकर राख हुए और कितने परिवार बेघर हुए? सर ये रात आग रात 10:30 बजे के करीब लगी है और इसमें दो परिवार जो है वो काफ़ी जिनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर उसमें भी एक परिवार में 11 सदस्य है, एक में 7 है। अब इनका कहना है कि एक मकान में हम जो अलग अलग रह रहे थे, 6 परिवार अलग थे उसमें, तो उनको भी अब अभी बाकी पंचायत रिकॉर्ड मांगा है हमने कि परिवार अलग है या नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो फिर पंचायत रिकॉर्ड के हिसाब से चलेगा। और बाकी जो आग है, अब यहाँ पे एक मंदिर में चोरी भी हुई है, अब इसका क्लियर नहीं हो सकती किस वजह से लगी है। अभी अगर आप ऊपर जाएंगे आपसे जानना चाहेंगे कि देर रात की आगजनी की घटना मेरे ख्याल से 10 से 11 बजे के करीब हुई है, तो आपकी तरफ प्रशासन की तरफ से रेवेन्यू की तरफ से कितने बजे यहाँ पे पहुँचे? या सबसे पहले आप ही आए? हाँ जी हाँ जी, हम तो रात से ही यहीं पे हैं। कितने बजे के करीब आप? ये जो मेरे सहायक है यहाँ पे लोकल है, वो मैंने उसी समय यहाँ भेज दिए थे। अच्छा, मैं भी सुबह 6 बजे करीब यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से फौरी रात अभी तक क्या क्या चीज़ें सामान लेके आ रहे हैं? जो भी प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं तरपाल कम्बल वगैरह राशन वगैरह, क्योंकि इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। राशन भी टोटल लॉस है, जो ज्वेलरी वगैरह है इनकी, इनकी 3 गाय और 6 बेड़े मरी है, काफ़ी नुकसान हुआ है इनका, तो इस सब का डिटेल ले लिया गया है। बाकी फौरी राहत कितनी दी जा रही है? अभी सर SDM साहब आएंगे, उनसे पूछ के दी जाएगी। तो हाँ जी, बाकी मंदिर का है थोड़ा, आग का क्लियर नहीं हो सकता किस वजह से लगी है, क्योंकि मंदिर में चोरी भी हुई है उसी इसी रात को। हाँ सेम, इसलिए कल ही हुई है शायद ये, अभी अभी देखा गया ऊपर। हाँ जी हाँ जी, हम गए थे ऊपर, तो अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है, अब आएगा इन्वेस्टिगेशन मैटर है, कैसी लगी क्या लगी अब वो तो पुलिस ही बताएगी उसके बाद। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हो सकता है चोरी के पीछे भी। जी, क्या पता आग इधर लगाई हो ताकि तुम उधर उलझे रहे और पीछे से सफाया हो। एक चोरों ने एक मतलब प्लान को अंजाम दिया है यहाँ पे, नहीं वो ऐसा ऐसी संभावना जताई जा रही है। बाकी आप देख सकते हो मंदिर का भी। जी ठीक है जी, धन्यवाद। जहाँ तक इस भीषण अग्निकांड की बात करें तो जैसे कि हमें शुरुआती तौर पे मालूम हुआ था कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है, अभी बताया जा रहा है कि इसके साथ लगते ही एक रात को एक मंदिर में चोरी की घटना भी सामने आई है। तो अभी चोरी की घटना सामने आई है। नमस्कार, जैसा कि अभी तक हमने लोगों के व्यूज़ लिए हैं और उनसे ये जाना है, कहीं ना कहीं इस अग्निकांड के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है। लोगों ने बताया है कि यहीं ऊपर साथ लगता एक मंदिर है जिसमें चोरी की घटना हुई है। कहीं ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि चोरों ने किसी चोरी को अंजाम देने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस मकान में आग लगाई हो, इसकी पूरी संभावना है।
और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस की टीम भी आ गई है और इस चोरी और इस आग के पीछे के कनेक्शन को जानने के लिए अपनी छानबीन में जुट गई है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।